हंसते प्यारे और उछलते कूदते भागते दौड़ते नाचते गाते अच्छा जाने की खुशियां मनाते हुए बच्चे। जो बोर्ड पेंडेंट टेस्ट तुम्हारा हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं जिससे तुम अपने मार्क्स लगा सको। जिन्होंने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया अब कर लेना ठीक है। हाँ जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो अब टेस्ट दे सकते हैं और कॉपी उनको चेक करवानी है टेस्ट देने के बाद 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करें और कॉपी चेक करवाने के लिए सुबह 9 से 10 या शाम को 4 से 5 फिजिक्स लैब में ले आए। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें तुम्हें आइडिया होना चाहिए क्या लिखना है कैसे लिखना है कितना लिखना है। मान लो टेस्ट नहीं दिया बावजूद उसके सॉल्यूशन अभी डिस्कस हो जाते हैं तो भी तुम बिना देखे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो 45 मिनट्स में तुम्हें कंप्लीट करना है। तो पॉइंट चार्ज क्यू जो है तुमसे कहा गया है एक लाइन है तीन पॉइंट है ना, एक है ओ एक है ए एक है बी। तो ओ पर अगर हम चार्ज रख रहे हैं दो सिचुएशन है एक बार पॉजिटिव रख रहे हैं एक बार नेगेटिव रख रहे हैं। तो तुमसे पूछा है किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ए का या बी का। तो पॉजिटिव रखोगे तो पास में पोटेंशियल ज्यादा होगा तो तुम्हें इसमें दो पार्ट में आंसर लिखना था स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पार्ट ग्रेटर सेकेंड पार्ट स्मॉलर बस ऐसा लिखना था। Define the term drift velocity in a conductor. Simple सी definition. मिलते जुलते words हो सकते थे. When a potential difference is applied across the ends of a conductor, then the free electrons present inside it experiences a force due to the electric field and start traveling towards positive end with a constant average speed called drift speed. या मिलती जुलती कोई भी language चलेगी। What does resistivity of a metal increases with temperature? Explain. तो जो relevant formula resistivity का वो है rho equal to m upon ne square tau. ये relevant formula. rho l by या r a by l लिखोगे तो relevant नहीं है आपके। तो फर्क किसमें पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है n पर तो नहीं पड़ रहा, पर tau पर फर्क पड़ रहा है। तो तुम लिखोगे with increase in temperature, average relaxation time or tau लिख सकते हो symbolically. Tau decreases considerably. तो टॉप कम हो जाता है इसलिए रेजिस्टिविटी पड़ जाती है, एन पर कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में तो एन बहुत ज्यादा पड़ जाता है टॉप थोड़ा सा ही कम होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 था यूज किरचॉफ रूल्स टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फोर रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सो एज टू गिव नल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर ठीक है। तो क्या करना था तुमको अच्छे से पता है P Q R S मान लो या R1 R2 R3 R4 मान लो तो P upon Q equal to R upon S प्रूव करना था। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लेना था तुम्हें ऑलरेडी सिंपल वाला केस था और उसमें व्हीटस्टोन सॉरी उसमें KVL लगाना था KVL लगाकर प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे नोट्स में भी है। ये सारे क्वेश्चन 2017 में डिफरेंट जो पेपर आए कौन कौन से पेपर है 2017 में सीबीएसई में एक हुआ आउटसाइड दिल्ली एक हुआ दिल्ली रीजन एक हुआ फॉरेन और एक होता है ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए। ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए जो पेपर होता है उसमें डायग्राम्स नहीं होते ना डायग्राम्स होते हैं ना डायग्राम्स पूछे जाते हैं सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो इन चारों पेपर में से ही ये सारा पेपर तुम्हारा बना है 2017 लेटेस्ट। तो ये तुम्हारे देखोगे तो नोट्स में है तुम्हारे क्वेश्चन टू मेटलिक वायर्स पी एंड क्यू ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें कंसेप्ट क्या है जब सीरीज में तो करंट सेम होता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे करंट वाला VD इक्वल टू I अपॉन NE तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्स रेशियो आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ जाएगा सीरीज में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्स रेशियो A2 अपॉन A1 और दूसरे पार्ट में क्योंकि पोटेंशियल सेम है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे EV tau upon ML तो उससे आ जाएगा सेम 1:1 लिखना
Sixth question, by using Gauss law, deduce an expression for electric field intensity due to an infinitely long string uniformly charged wire. तो क्या करना था? 2k lambda by r derive करना था. लास्ट में अगर ग्राफ बना के आते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर पूरे मिलते हैं बढ़िया से. नहीं बनाओगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि ग्राफ स्पेशली पूछा नहीं है. पर बोर्ड एग्जाम में जब ये पूछा जाए सवाल तो ग्राफ जरूर बना के आना, चाहे ये वाला डेरिवेशन हो, चाहे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वाला हो, चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज शेल वाला हो. 7 जो क्वेश्चन था, टू रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, व्हाई इज वोल्टमीटर प्लेस्ड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तुम लिख सकते हो इसका. वोल्टमीटर को नापना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल में लगाएंगे तभी नाप पाएगा. एमीटर को नापना है करंट, सारी की सारी करंट उसमें से होकर जानी चाहिए, तो उसको सीरीज में लगाएंगे. मिलती जुलती कोई भी लैंग्वेज लिखिए, नंबर मिल जाएंगे. 8th जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. बोर्ड में जनरली इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए थे, पर अब ये भी आने लगे हैं जिसमें कैपेसिटर को इंक्लूड कर लिया है. अदरवाइज क्या होता था, बोर्ड में या तो बैटरी और रेजिस्टेंस इन्हीं पर बेस्ड आते थे, कैपेसिटर नहीं आता था. तो अभी बैटरी रेजिस्टर के साथ तुम देख रहे हो इसमें कैपेसिटर भी है, तो इसमें केवीएल लगाना होगा, तरीके से लगाना होगा केवीएल. और कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, केवीएल लगाकर तुम रिजल्ट निकालोगे इसमें. क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. तुम्हारे पास अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं. तुम डिफाइन कर सकते हो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू पोटेंशियल रेज, यानी सी इक्वल टू क्यू बाय वी. या फिर तुम डिफाइन कर सकते हो V को अगर 1 कर दो तो C Q के बराबर हो जाएगा. तो कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज व्हेन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज रेज्ड बाय 1 वोल्ट. मिलती जुलती कोई भी डेफिनेशन. फिर तुम्हें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था एप्सिलॉन 0 A बाय D कैपेसिटी के लिए. 10th जो है वो डेरिवेशन था 2kp अपॉन r क्यूब एक्सेल पोजीशन में. तुम्हें शॉर्ट डाइपोल के लिए ये डेरिवेशन करना था प्रॉपर डायग्राम बनाकर. मेन क्लास में तुमको डिराइव करवाते हैं जनरल केस लेकर. जनरल केस लेकर अगर तुमने स्पेशल सिचुएशन लगाई है एक्सेल पोजीशन वाली तो भी सही है, पर डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए. चालू डायग्राम नहीं चलेगा. चालू डायग्राम बना दिया और स्टेप्स आगे पीछे डायरेक्ट कर दिया तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा. तो दो तरीके हैं, या तो तुम जनरल सिचुएशन से एनी पॉइंट डिराइव करके फिर एक्सेल में कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्टली जैसे बोर्ड क्लास में तुमको बताया था एक्सेल पोजीशन में कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करो. 11th क्वेश्चन जो था काफी आसान करके तुम्हें दिया गया था. स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच ए पोटेंशियोमीटर वर्क्स. जो बच्चे बोर्ड क्लास कर रहे हैं उन्होंने गलती नहीं की होगी. कौन सी गलती? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. जो लिखते थे बच्चे पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था ये गलती तुमसे होती है. फिर भी अगर तुमने किए तो अवेयरनेस चेक करो तुम्हारी. तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई दूर दूर तक पोटेंशियोमीटर से लेना देना नहीं है. पोटेंशियोमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है, हम लिखते हैं जैसे इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. हाउ कैन ए गिवन पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव. ज्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं? तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करके हम सेंसिटिव बना सकते हैं. सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें फॉर ए स्मॉल इनपुट वी गेट लार्ज आउटपुट. तो अगर उसकी रीडिंग बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे वो सेंसिटिव है. तो सेंसिटिव ऐसे बना सकते हैं. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना पड़ेगा. इसी पर बेस सेकंड क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पर. इन द ग्राफ शोन बिलो. देखो जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें तो क्या होता है, हिंदी में अलग से एक डायग्राम होता है और इंग्लिश में अलग से एक डायग्राम होता है. पर यहाँ जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी हमने एक और डायग्राम नहीं बनाया. तो ये जो बिलो वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अबो में, क्योंकि हम हिंदी में जो डायग्राम दिया उसको यूज कर रहे हैं. इसके लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा. What two potentiometers state with reason which of the two potentiometers A or B is more sensitive? तो तुम्हें बताना है B is more sensitive, उसका potential gradient कम है. अच्छा जो ऊपर वाला था उसमें तुम तीन में से कोई भी एक कारण लिख सकते हो कैसे sensitivity बढ़ाई जाए. या तो हम तार की लंबाई बढ़ा दें sensitivity बढ़ जाएगी, या फिर जो auxiliary battery है उसका EMF कम कर दो. auxiliary battery बोलते हैं जो primary circuit में battery लगी होती है जिसकी मदद से हम potential drop करते हैं, उसका ईएमएफ कम कर दो. या उसके साथ सीरीज में लगे हुए रियोस्टेट में रेजिस्टेंस बढ़ा दो. किसी भी तरह से वायर पर ड्रॉप कम हो जाए या वायर की लेंथ बढ़ जाए तो ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. कोई भी डाउट है पेपर से रिलेटेड पूछ सकते हो. आगे ऊपर करो और पूछ लो रिलेटेड टू दिस पेपर एनी डाउट. तो आगे बढ़ते हैं.
लास्ट टर्न पे जहां तक किया था उससे आगे डेट लगा लो आज की क्या है कुछ नहीं 11th में सेकंड पार्ट 11th में जो सेकंड पार्ट है उसमें तुमसे पूछा है कि बी ही कैसे बी मतलब कौन सा पेन लाया तो ये था ना तुमसे पूछा है कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है तो बी और एल में ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप क्या होगा बी बाय एल जिसके लिए कम होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडिएंट कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ उसके लिए ज्यादा आएगी और जिसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगी वो सेंसिटिव है तो आज आईटीआर की लास्ट डेट है तो आईटीआर क्या होता है बताओ रेफरेंस दूसरे कलर के नहीं लाया इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर तो लेक्चर नंबर 41 लेक्चर नंबर 41 के बाद मैग्नेटिज्म का जो सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 2 है M2 का 2 नोट कर लो तुम्हारे पास ये पढ़ना है हमको लास्ट टर्न पे कहाँ एंड किया था मैं याद दिला रहा हूँ जायरोस्कोप पढ़ा था हमने पढ़ा था अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हमने सिंबल स्मॉल एम वेक्टर से दिखाया था उसको दिखाया था हमने कितना होता है आइए EVR upon 2 और EL upon 2M यहाँ पे L है एंगुलर मोमेंटम इसको वेक्टर बनाकर यहाँ माइनस साइन लगाया था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था फिर बोर मैग्नेटॉन डिफाइन किया था अगर हम ये बोले कि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो ये हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन म्यू बी ठीक है फिर जायरो मैग्नेटिक रेशियो हमने डिफाइन किया था कि इसको एल से डिवाइड कर दो तो ई बाय 2m जो इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो जिसकी वैल्यू होती है 8.8 इनटू 10 की पावर प्लस 10 यूनिट चाहे तो निकाल सकते हैं कूलम पर केजी अब पढ़ेंगे इससे आगे तो नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेशन है दो नंबर में भी आ सकता है तीन नंबर में भी आ सकता है हैडिंग लगाओ बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑब्लिक कॉइल ऑब्लिक सोलेनोइड सिंगल टर्न वाला लूप हो सकता है कैपिटल एंड टर्न वाली कॉइल हो सकती है और सॉलिड हो सकता है एज मैग्नेटिक डाइपोल हम ये बताना चाहते हैं कि ये तीनों ही मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन पे लिखना है एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डैश लगा दो एक मेथड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दूसरा जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तुम्हारी चॉइस है तुम्हें जो आसान लगे तुम उससे डिराइव कर सकते हो दोनों मेथड थोड़े डिफरेंट है एनसीईआरटी में डिफरेंट है मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करवा रहा हूँ मैं सिमेट्री यूज कर रहा हूँ जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ा था वो सिमेट्री को यूज करेंगे तो
सबसे पहले तो हमें बताना है कि डाइपोल है, तो डाइपोल कैसे है। अगर मैं किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, क्योंकि वो करंट कैरी कर रही है, उसमें नॉर्थ भी उसमें साउथ भी बन रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह है, बार मैग्नेट की तरह, तो वो कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? नॉर्थ साउथ में रुकेगी, बार मैग्नेट की तरह। और बार मैग्नेट की तरह ये दिखाया नहीं था हमने तुमको, बार मैग्नेट ना, इसमें एक डॉट लगा होता है व्हाइट कलर का जो नॉर्थ को इंडिकेट करता है। तो सॉलिड जो है वो नॉर्थ साउथ में रुकेगी। ऐसी दो सॉलिड्स हम अगर लें तो वो म्यूचुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल रिपल्शन दिखाएगी। ये तो हो गई सिमेट्री बार मैग्नेट के साथ। एसिमेट्री क्या है? कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो इसको डिफर करती है बार मैग्नेट को सॉलिड से। अगर मैं कंपास मिडल बार मैग्नेट के पास या बीच में लेकर आऊं, बीच वाले हिस्से में, तो बाद में तेज क्यों गिरा? ये लोहे का ना, इसने भी खींचा उसको। तो अगर बार मैग्नेट को बीच वाले हिस्से के यहां पर कंपास मिडल लाए, तो कंपास मिडल मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, यानी बताती है मैग्नेटिक फील्ड है। पर सॉलिड हो और वहां पर हम, ये सॉलिड है और यहां पर हम कंपास मिडल को लाए, तो बताती कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो देखोगे हम अभी लूप या कॉइल के रेफरेंस में बात करेंगे। एक करंट कैरिंग लूप, सेम लैंग्वेज रिपीट होगी, एक करंट कैरिंग लूप एक्स एसीटीएस एक्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, एक्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, as the end, picture के last में लिखा होता ना the end, as the end from seeing which, enjoy करना है तुमको, ठीक है, परेशान मत होना। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लिखते चलो, समझ में आ जाएगा। the end from seeing which, जिधर से देखने पर, from seeing which current seems to flow, current seems to flow clockwise, current seems to flow clockwise। एक सिंबल बनाकर भी दिखाएंगे वहीं पर कंटिन्यूएशन में। एक सर्कल बनाया, उसमें दो एरो लगाए, उसमें बीच में बना दिया S और तुमने दिखाया clockwise rotation। Current seems to flow clockwise, behaves as वो सिंबल बना हुआ और बनाया clockwise के बाद। Behaves as south pole. Behaves as south pole. While the other end, from seeing which, जिधर से देखने पर, from seeing which, current seems to flow anti-clockwise. Current seems to flow anti-clockwise. Current seems to flow anti-clockwise. Behaves as north pole. तो कैसा सिंबल बना दोगे? Anti-clockwise दिखाओगे, N बनाओगे बीच में, एरो लगा दोगे। तो जब इस लूप में या कॉइल में दोनों पोल्स मौजूद हैं, तो हम इसको बोलेंगे डाइपोल। और जब डाइपोल बोलेंगे तो इसलिए डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे। सो इट इज एक्टिंग एज डाइपोल। सो इट इज एक्टिंग एज, थियोरेटिकली हमने इसको प्रूव किया कि डाइपोल की तरह काम करे। सो इट इज एक्टिंग एज डाइपोल एंड दस वी कैन डिफाइन magnetic dipole moment for it as करके डैश लगा दो। एक्चुअल में हम डिफाइन नहीं करने वाले, हम फाइंड करने वाले हैं। तो अब क्या करना है तुम्हें? डिफाइन को फाइंड बनाना है मिनिमम करेक्शन के साथ। DE को काट दो और डी पीछे लगा दो, फाइंड।
हमें पता करना है, ये ऐसे मॉडिफिकेशन सबको आने चाहिए जरूरत पड़ने पर, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन। अब मैं डायरेक्टली रिलेशन यूज कर रहा हूं जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिराइव किया था, यहां पर हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो उस लूप के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू जीरो आई, अगर इसकी रेडियस आर है, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस एक्स है, अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ टू पावर 3/2। इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जब तुम वो चैप्टर पढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हो, तो ये इतने सारे न्यूमेरिकल उस पे तुम करते हो, अपने आप याद हो जाते। लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, वी नो दैट कॉमा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, कर देते हैं एन को भी शामिल कर लेंगे, लूप करना है तो एन को वन कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एट an axial point, at an axial point, ऐसा point जो axis पर है, at an axial point is given as, at an axial point is given as, dash लगा लो, पहले हम diagram भी बनाएंगे, जिससे कि situation clear हो सके, concept, data क्या माना है, तो एक diagram बनाना है, current I दिखाई, center हो, पॉइंट पी, ये डिस्टेंस पॉइंट पी की एक्स और इसके रेडियस स्मॉल आर, जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने वाले हैं या लिखने वाले हैं वो यहां पर पी पॉइंट पर लिखने वाले हैं। तो ये होता है म्यू जीरो आई आर स्क्वायर पॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। इतना इसकी सिमेट्री किससे मैच करा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिंग होती है, चार्ज रिंग, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उससे सिमेट्री मैच करा, वो भी एक्सप्रेशन मिलता जाता। अब अगर ये डाइपोल शॉर्ट है, छोटा है, जैसे ये मैग्नेट, इसको बड़ा या छोटा किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे, कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो मुझे इस मैग्नेट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर इस मैग्नेट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे दिस इज शॉर्ट डाइपोल। तो अगर ये शॉर्ट डाइपोल, यानी आर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू एक्स, आर बहुत छोटा है, तो उस सिचुएशन में हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लिखोगे फॉर शॉर्ट डाइपोल x स्क्वायर को नहीं r स्क्वायर को करें, फॉर शॉर्ट डाइपोल r less than x, सो neglecting r स्क्वायर wrt, जिसका फुल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, वी गेट तुमको मिल जाएगा p इक्वल टू, ये ऊपर तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वहीं पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ट्वाइस ऑफ आर क्यूब एक्स। अच्छा, जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लो तुमने किसी को 100 रुपए दिए, वो बोलता है 0.1 से मल्टीप्लाई करके वापस दूंगा, तुम बोलोगे नहीं, बोलते हैं 0.1 मेरे पास कम है, आप ले लो, तो बोलोगे ना ठीक है, दे दो भैया, 0.1 कम है अलग बात है, 0.1 से मल्टीप्लाई करके देना मतलब 10 रुपए देगा, 10 रुपए तो नहीं लोगे, हाँ 0.1 कम है, 0.1 टाइम्स कम, 10 रुपए कम है, 90 रुपए, 90 रुपए तो आ रहे हैं, ले लेंगे हम। एरिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे, इसी स्टेप में वहां पे लगा दिया, पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख दिया, एक्सप्रेशन मॉडिफाई होकर हो गया बी इक्वल टू म्यू जीरो
आई। अगर कॉइल चलाओगे तो कैपिटल एन साथ में चलेगा और लूप मानोगे तो एन की वैल्यू वन हो जाए, म्यू जीरो आई ए अपॉन टू पाई एक्स क्यूब। तुमने सीखा तीन तरह के कांस्टेंट सीखे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्मॉल के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। जब मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किया कैपिटल के सबस्क्रिप्ट एम मैग्नेटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सीखी म्यू जीरो अपॉन फोर पाई। फिर साथ ही साथ मैंने एक और बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये के एम यहां पर आ सकता है, इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल के सबस्क्रिप्ट एम, आई और ए को ब्रैकेट में कर दिया, नीचे बचता है एक्स क्यूब। अभी कंपेरेबल फॉर्मेट में आ गया, इसका कंपैरिजन सीधे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल के लिए रिजल्ट आया था उससे कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद अगली लाइन लिखोगे, यहां तक लिखो, लिखते जाओ साथ साथ में। नाउ कंपेयरिंग इट Now comparing it with corresponding expression. Now comparing it with corresponding expression for electric dipole. For electric dipole, that is capital E subscript x is equal to twice of small k times p upon एक्स क्यूब। स्केलर फॉर्म में लिखा मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर भी वेक्टर और पी पे भी वेक्टर आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करता हूं तो साफ साफ दिख रहा है पी की जगह आ रहा है आई ए। अब जब पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो आई ए होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्लियरली the quantity IA equal to small m vector, quantity IA equal to small m vector corresponding to magnetic dipole moment, corresponding to magnetic dipole moment having SI unit, current को नापा ampere में, area को नापा meter square में, तो SI unit बनेगी ampere meter square, having SI unit ampere meter square, vector quantity है, इसमें direction होगी, यहाँ पर लगा रहे हैं तो area को vector बना देंगे, और direction उसी की direction में ले लेंगे जो m की direction होगी। अब m की direction किधर होती है उसको जानने के लिए p की direction पे गौर करो। electric dipole moment होता है minus q से plus q, minus q के corresponding होता है south pole और plus q के corresponding होता है north pole। तो इसमें direction होगी किधर से किधर लिखोगे, it is vector and is directed from एक तो लंबा वर्जन है लिखने का, एक छोटा वर्जन है, शॉर्टकट भी है। तो लंबा तरीका क्या है, अगर तुम्हें दो लाइन में लिखना तो पूरी वो लाइन में लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम द एंड फ्रॉम सीइंग व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द एंड, फ्रॉम व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। पर इसका शॉर्टकट है, तुम सीधे सीधे लिख सकते हो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम, हाँ ये सिंबॉलिक नोटेशन, साउथ टू नॉर्थ, और ये वैलिड है, यानी इसमें पूरे नंबर मिलेंगे वगैरह से लिखते हो। तुम्हें याद हो तो प्रागैतिहासिक काल में शैलचित्र चट्टानों पर तो उससे कम्युनिकेशन हो जाता था, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि किधर से किधर, ये बता रहा है एंड फ्रॉम सीइंग व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो क्लॉकवाइज, ये बता रहा है द एंड फ्रॉम सीइंग व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज साउथ टू नॉर्थ।
अब एक क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तुमसे पूछते हैं नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट जूल पर टेस्ला, स्टेट वेदर इट इज वेक्टर और स्केलर एंड इफ इट इज वेक्टर देन गिव इट्स डायरेक्शन आल्सो। तो तुमसे पूछते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके एसआई यूनिट है जूल पर टेस्ला, फिर बताओ स्केलर है कि वेक्टर है, और फिर बोलते हैं अगर वेक्टर है, ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ऐसा किसी भी क्वांटिटी के लिए पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी पूछ सकते हैं, यूनिट चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आइडिया नहीं लगता, जब पहले एक बार पता चल जाता है तब आइडिया लगता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखूं, रेफरेंस साइड पे लिख सकते हो, राइट हैंड साइड पे लाइन खींच के, पोटेंशियल एनर्जी जो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की उसका एक्सप्रेशन था माइनस पी डॉट ई, जहां पर पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सिमेट्री से पी की जगह आएगा छोटा एम वेक्टर, ई की जगह पी। तो अब यहां से यूनिट निकालो एम की, पोटेंशियल एनर्जी को जूल में नापेंगे और बी नीचे जाएगा तो टेस्ला, जूल पर टेस्ला किसकी ऐसे यूनिट है, इसकी, ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन किधर से होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो यहां लिख सकते हो स्टार मार्क करके ऐसा यूनिट, एक और भी है इसके लिए और वह है जूल पर टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी है और जूल पर टेस्ला भी, दोनों वैलिड। तो ये हमने पढ़ लिया, दो या तीन नंबर में पूछा जाने वाला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बोलो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लूप तो कंप्लीट करता है पर सिमेट्री है मैग्नेटिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी हालांकि वहां पे लाइंस कंप्लीट नहीं करती थी, पर सेम एक्सप्रेशन यहां पर वैलिड है। वर्क डन जीरो हो जाएगा कंप्लीट लूप में, किसी को घुमाएंगे तो डाइपोल को हम एंगल थीटा से घुमा रहे हैं तो उस लूप से कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमें बताया कि बार मैग्नेट भी होता है, ये तो क्या हो गया कॉइल वाला मैग्नेट हुआ, बार मैग्नेट भी होता है तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो सब एडिंग लगाओगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाओगे, हम पहले भी बनाया था रिपीटेशन, एक रेक्टेंगल बनाओ, इसमें दो पॉइंट्स दिखाओ जो रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ और साउथ, सपोज ये साउथ है ये नॉर्थ है। दो तीन बातें समझनी भी है, साउथ और नॉर्थ एग्जैक्टली कॉर्नर पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होंगे, बिकॉज जो मैग्नेटिक डाइपोल एटॉमिक डाइपोल्स है उनका जो अलाइनमेंट होता है वो 100% नहीं हो पाता, 75-80% एट द मोस्ट सैचुरेशन स्टेट आ जाता, किनारे वाले अलाइन नहीं हो पाते, जैसे किसी सोलेनोइड में किनारे पर आकर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जैसे किसी कैपेसिटर में किनारे पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, वैसे बार मैग्नेट में किनारे पर आकर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, किनारे पर नहीं होती, थोड़े से अंदर हो। तो इफेक्टिव लेंथ जो हो गई साउथ टू नॉर्थ, उसको दिखाएंगे ट्वाइस ऑफ स्मॉल एल से, ज्योमेट्रिक लेंथ इससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसको दिखाएंगे ट्वाइस ऑफ कैपिटल एल से। इनमें जो रिलेशन होगा जब तक दिया नहीं गया या क्वेश्चन में कहा नहीं गया तब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे। कुछ किताबों में कैपिटल एल बाय एल लिखा है 5/4, किसी कुछ में लिखा है 6/5, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। अब एक नई क्वांटिटी यहां पर हम डिफाइन करते हैं, कोई मैग्नेट कितना तेजी से अट्रैक्ट करेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, वो डिपेंड करता है एक फिजिकल क्वांटिटी पर जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी ये उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा,
पोल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं क्यू सबस्क्रिप्ट एम से, साउथ पोल कोरिस्पोंड्स टू नेगेटिव तो माइनस क्यू एम ऐसे कोरिस्पोंडिंग, और नॉर्थ के कोरिस्पोंडिंग प्लस क्यू एम ऐसे दिखाते हैं। तो ये डायग्राम बनाने के बाद तुम लिख सकते हो। एक काम होती है एनालॉजी, एनालॉगस लिखोगे, टेकिंग एनालॉजी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टेकिंग एनालॉजी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी मे राइट स्मॉल एम इक्वल टू क्यू एम इंटू ट्वेल्व कोरिस्पोंडिंग टू taking analogy from electrostatics we may write small m equal to qm into 12 corresponding to chota p vector equal to q into 12 ye charge hai ye pole strip here qm is called pole strength measured in नापेंगे किसमें यूनिट क्या होगी उसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी ये जो एम है इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये वाला मीटर नीचे जाएगा तो एक मीटर कट गया एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होगी। इस पे फिर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो तैयार कर लेते हैं फिर आर्ट मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। एक मैग्नेट है उसको दो तरह से काटा जा सकता है, एक टर्म होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक टर्म होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलोंग द लेंथ, ट्रांसवर्स या लेटरल मीन्स परपेंडिकुलर। क्वेश्चन इज कोई मैग्नेट तुमको दिया हुआ है, तुमने मैग्नेट बनाया, पोल्स देखा है, पोल स्ट्रेंथ दिखाई क्यू एम माइनस क्यू एम, मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट दिखा दो टू एल, गिवन तुम्हें दिया हुआ है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है small m vector equal to qm into 2l। तुम्हें से कोई बताया अगर 2l vector की direction किधर से किधर? ये displacement vector of north pole with respect to south pole, south से north, जैसे electric dipole moment minus q से plus q, physics और chemistry में plus q से minus q, ये दिया हुआ है। find part a, मैग्नेट को ऐसे काट दिया हमने लॉन्गिट्यूडनली, तो उसमें तुम्हें बताना है नया नई पोल स्ट्रेंथ क्यू एम डैश पुरानी पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में। तो जिनको याद है डायग्राम जिसमें हमने ये दिखाए थे एटॉमिक डाइपोल्स ऐसा लाइन दिखाए थे, तो अगर उसको ऐसे काट देंगे बीच में से तो आधे डाइपोल ऊपर रह जाएंगे आधे डाइपोल नीचे आ जाएंगे, पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी मैग्नेट है उसको अलोंग दी लेंथ अगर काट दिया जाए तो उसकी पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्यू एम अपॉन टू आधे ऊपर आधे इंच। तुमसे पूछते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, यानी एम डैश, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ आधी होगी लेंथ उतनी है, ये दो फैक्टर है तो ये भी आधा हो जाएगा। कई बार न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ रहता है उससे बोलते हैं 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो कितना रह जाएगा 40 एम्पियर मीटर स्क्वायर आधा रह जाएगा। दूसरा केस अलोंग परपेंडिकुलर बायसेक्टर काट दिया, केस बी
तो क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी? अभी वो पोल वहीं के वहीं है, बीच में से काटा है पोल, साउथ पोल या नॉर्थ पोल को बनाने के लिए जो एटॉमिक डाइपोल है नंबर में उतने ही है, सेम QM डैश इक्वल टू QM, पर इफेक्टिव लेंथ आधी रह गई, इसकी वजह से नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया होगा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका वेक्टर एडिशन होता है, इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ देंगे तो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आना। तो यहां से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, अरे इस मैग्नेट को ऐसे बीच में से तोड़ा हम लोहे के बुरादे में ले जाता हूं इसको, अभी पोल पे जितना बुरादा चिपकेगा जब ये पूरा था तब भी उतना ही चिपक रहा था। तो अगर तुम्हें कंपेयर करना है दो मैग्नेट्स को कि कौन सा मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर पाओगे या पोल स्ट्रेंथ से? डाइपोल मोमेंट से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। डाइपोल मोमेंट तो अगर अर्थ का निकालेंगे हम, अर्थ में मैग्नेट मान के, तो डायमीटर अर्थ का 6400 किलोमीटर का डबल, तो उसका डाइपोल मोमेंट तो बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लेंथ, अगर उसको बार मैग्नेट मान के। इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन है केस सी, वो जो मैग्नेट था उसको हमने चेक करने के लिए कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर हुए, सेमी सर्कल बना दिया। नाउ क्या चेंज होगी पोल स्ट्रेंथ? क्योंकि इसको मोड़ देंगे तो भी सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल सपोर्ट करेंगे, सो QM डैश इज सेम, QM डैश इक्वल टू QM। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट तो ये है और ये कितना है, अगर मैं रेडियस को r मान लू, 2r है, तो मैं उसको लिखूंगा QM इंटू 2r। अब मुझे r की वैल्यू चाहिए बिकॉज r इज नॉट गिवन डेटा, तो मुझे पता है मैंने उसी 2L लंबाई के मैग्नेट को मोड़ कर बनाया है, तो मैं लिख सकता हूं 2L इक्वल टू पाई आर। तो मुझे R की वैल्यू यहां से मिल गई, यहां रख देता हूं, R की जगह मैंने रखा 2L अपॉन पाई। फिर मुझे पता है QM और 2L इन दोनों का प्रोडक्ट होता है हमें, तो एक्सप्रेशन मुझे मिलता है 2M अपॉन पाई। क्या मैं इस रिलेशन को वेक्टर में लिख सकता हूं? इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन घूमते हुए होगी या ऐसे होगी? साउथ टू नॉर्थ, तो लिख सकते वेक्टर, पहले भी साउथ टू नॉर्थ, अब भी साउथ टू नॉर्थ। इसमें और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, एक मैग्नेट को ऐसा रखा साउथ टू नॉर्थ, दूसरे को कुछ एंगल पे रखा, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो बताओ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो मान लो इसका है M1, इसका है M2, तो रिजल्टेंट हो जाएगा वो जो फॉर्मूला वेक्टर्स का तुमने पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। एक डिवाइस होता है जिसका नाम ये जो मैं लेकर आया हूं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। बहुत आसान है इसको बनाना, है ना, एक डब्बा चाहिए, एक ये धागा चाहिए, है ना, रेशम का हो तो अच्छा, मतलब ऐसा जिसमें ट्विस्ट ना है, एक स्टिरअप, इसको बोलते हैं स्टिरअप अरेंजमेंट, नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक क्लिप सा ले लिया जिसमें मैग्नेट को सस्पेंड कर सकते हैं, इसको मैग्नेट लगाकर यहाँ अंदर फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ऊपर ये टॉर्जन हेड बोलेंगे, यहाँ से धागा लटका हुआ रहेगा, इसमें अंदर जो है मिरर स्ट्रिप लगी नीचे, कोई बात नहीं मान लो मिरर स्ट्रिप लगी नीचे, लैब में जाकर देख लेना, ये ऊपर दो स्लिट्स हैं ऑसिलेशन काउंट करने के लिए,
क्योंकि यहां से बंद होता है एक्चुअल है ना, ऊपर से देखते हैं ऑसिलेशन डाउन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक मेरिडियन एक टर्म अभी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, मैग्नेटिक मेरिडियन से इसको मैच करा देते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है जो नॉर्थ साउथ को मैच मिक्स करता है, मिलाता है, ज्वाइन करता है। और फिर क्या करते हैं, ये जो मैग्नेट है इसको स्टिरअप अरेंजमेंट में रखकर फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। फ्रीली सस्पेंड होगा तो किधर रुकेगा, नॉर्थ साउथ पे रुकेगा। तो अभी तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं ऊपर से स्लिट में से, तो वो नॉर्थ साउथ में रुकेगा। नीचे एक मिरर स्ट्रिप है उस पे देख के हम अलाइनमेंट उसका चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑसिलेट करा देते हैं, दूसरा मैग्नेट पास लाते हैं, पास लाकर हटा देते हैं, तो वो ट्विस्ट पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने लगता है। उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं और उस टाइम पीरियड से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ता है हमको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड की मदद से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखता हूं। अभी तो बस ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया, इससे कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। अब मैं इसमें एक चीज बता रहा था, सम पोजीशन एंड डिफरेंस पोजीशन। तो अगर दो मैग्नेट को मैं ऐसे रखता हूं कि उनके नॉर्थ नॉर्थ वैसे तो नहीं रहेंगे, जबरदस्ती इनको क्लिप करना पड़ेगा क्योंकि रिपेल होगा नॉर्थ नॉर्थ से, ये रिपेल कर रहा है अभी। अगर ऐसे रखता हूं तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे, एम वन प्लस एम टू सेम डायरेक्शन, और ऐसे रखा तो ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट को जब भी हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं, ये ऐसी लोहे की या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्लेट होती है जिसको लगाकर ऐसे रखते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट नहीं होता, इनका एक लूप बन जाता है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये होने के बाद एडिंग। Various expressions for magnetic dipole. Various expressions for magnetic dipole. Taking analogy from electrostatics. Taking analogy from electrostatics, electric dipole, 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 electric dipole
पहले कॉलम में E लिख दिया, E means electrostatics, दूसरे में लिख दिया M, M मतलब magnetism. तो एक तरफ expression रहेगा electric dipole के लिए, दूसरी तरफ magnetic dipole. तो सबसे पहला जो expression तुमने electric dipole के लिए पढ़ा था वो था small p vector, जिसे बोलते हैं electric dipole moment, ये था charge into displacement vector q into 2L, उसके corresponding. फटाफट साथ में rhythm में लिखते जाओ, है ना, इंतजार नहीं करना. इधर अगर मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा वाला मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो ये स्मॉल m वेक्टर ये होता है फोर्स स्ट्रेंथ qm इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2l. पर अगर ये डाइपोल कोई लूप है, कॉइल है, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. तब एक्सप्रेशन क्या बनता है, स्मॉल m वेक्टर इक्वल टू ia, अभी डिराइव किया था ia कॉइल या लूप के लिए, ia लूप के लिए आई है, कॉइल के लिए आना ही है. और सॉलोनॉइड कॉइल और लूप में अंतर क्या है, लूप में एंटर्स, अब उन एंटर्स, सॉरी कॉइल में एंटर्स, लूप में टर्न्स बढ़ा दिए, बन गई कॉइल. अब कॉइल को तुमने फैला दिया तो बन गई सॉलोनॉइड. दूसरा एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा था, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा बनाते हुए रखा हुआ है, वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क या कपल टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस. सिमिलरली किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, वो भी एक टॉर्क या कपल एक्सपीरियंस करेगा और वो होगा पी की जगह आ जाएगा एम, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पी. फिर तुमने पढ़ा था वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी वर्क डन 0 टू थीटा, ये होता था PE times 1 minus cos theta
इसके corresponding यहां पर ये जो expression होगा magnetic dipole के लिए P की जगह M, E की जगह B, MB times 1 minus cos theta. चौथा expression तुमने potential energy जो अभी recently अपने discuss भी किया वो पढ़ा था minus P dot E या minus P cos theta corresponding यहां पर हो जाएगा minus M dot P. एक्सेल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुमने एक्सप्रेशन पढ़ा था शॉर्ट डाइपोल के कारण ट्वाइस ऑफ स्मॉल के पी अपॉन आर क्यूब जहां पे आर सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस है कोरिस्पोंडिंग एक्सेल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड चाहे वो डाइपोल हो मैग्नेट वाला चाहे वो डाइपोल हो कॉइल वाला अगर मैग्नेट वाला डाइपोल है तो इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है r है शॉर्ट डाइपोल है और कोई लूप है तो उसके एक्सिस पर पॉइंट p की डिस्टेंस r है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल k सबस्क्रिप्ट m स्मॉल m वेक्टर अपॉन r क्यूब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए यानी नॉन एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर निकालते हैं तो इसका आधा हो जाता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इसलिए एक नेगेटिव साइन आता है याद आ रहा है तो अच्छा है नहीं याद आ रहा तो रिवाइज कर लो ऐसा होता है मान लो ऐसा होता है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेगेटिव होता है और आधा होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए तो यहां पर भी वैसे ही होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वेटोरियल पोजीशन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी उसका आधा हो जाएगा मींस कैपिटल के एम स्मॉल एम वेक्टर अपॉन आर मैथमेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट ओवर हो गया बस थोड़ा बहुत और आगे है बाकी इस चैप्टर का मैथमेटिकल पार्ट खत्म ये सारे रिलेशन ऑफ एज इट इज अच्छा पोटेंशियल की बात नहीं करते यहां पे मैग्नेटिक पोटेंशियल हम यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल काम में आता है तो उसको कंपेयर करके कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा एट एनी पॉइंट वाला इसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो नहीं स्टार्टिंग ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है इसके जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है इसका उसके पास मैग्नेटिक साउथ है और ज्योग्राफिक साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इस फैक्ट को हमें लिखना है इसका प्रूफ क्या है वो और उसके लिए थ्योरीज जनरेट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड आया तो आया कहां तो तुम लिखोगे अंग्रेजी में तुम्हें सिखाया गया है अर्थ के आगे सन के आगे क्या लगा दे दी ठीक है हे अंती का प्रयोग फिजिक्स में तुम्हें सिखा रहा हूं तुम्हारे पास ऑप्शन है दी लगाओ या आवर आवर अर्थ तो इट डिपेंड्स पृथ्वी के साथ कितना अपनापन है तुम्हारा कितना ध्यान रखते हो उसका तो देखो आवर अर्थ अर्थ मैग्नेटिज्म में डैश लगाकर आवर अर्थ बिहेव्स जिन्होंने आवर ने लिखा वो एलियंस है सारे यहाँ पे आवर अर्थ बिहेव्स एज इफ जैसे तो एज इफ ए पावरफुल मैग्नेट इज बिल्ट विद इन इट एज इफ ए पावरफुल मैग्नेट इज बी यू आई एल टी बिल्ट विद इन इट कॉमा हूज नॉर्थ पोल हूज नॉर्थ पोल इज nearby whose north pole is nearby its geographic south whose north pole is nearby its geographic south and vice versa अंग्रेजी में एक शब्द होता है vice versa उसका इस्तेमाल हम करते हैं लैंग्वेज को शॉर्ट करने एंड vice versa यानी उसका उल्टा भी सही अब जब डायग्राम बनाएंगे
तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फाइन डिटेल में मैं जा रहा हूं, यहां पे लिखा क्या हमने कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास साउथ है। जब डायग्राम बनाएंगे तुम देखोगे ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास वाला जो होगा उसका नाम रखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो ज्योग्राफिक साउथ के पास वाला होगा उसका नाम रखेंगे मैग्नेटिक साउथ। ऐसा क्यों वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो एडिंग प्रूफ, प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इस बात का क्या प्रूफ है, प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पहला पॉइंट, हमें पता है किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते तो कैसे रुकता है, नॉर्थ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। ये प्रूफ है इस बात का कि कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो उसे घुमा रहा है। तो पहला पॉइंट लिखोगे इफ रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग नॉर्थ साउथ। पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं तो NS कैपिटल N डैश कैपिटल S NS डायरेक्शन, बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो NS डायरेक्शन, अंडरस्टूड है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इफ रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लगभग 15 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आता था, दो तीन बार पूछा गया, व्हाट इज सॉलिड प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म का सॉलिड प्रूफ। उर्दू में बोले तो पुख्ता सबूत है ना, हिंदी में बोले तो अकांठ्य प्रमाण। इस बात का अकांठ्य प्रमाण, पुख्ता सबूत या सॉलिड प्रूफ क्या है कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो सेकेंड पॉइंट लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना सॉलिड प्रूफ है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर ये बार मैग्नेट है, मैं इसको प्लेन सरफेस पे रखता हूं, नीचे कागज रखता हूं, चार्ट पेपर, एक कंपास नीडल लेता हूं, इसके आसपास रखकर इसके लिए फील्ड लाइंस प्लॉट करता हूं। तो फील्ड लाइंस प्लॉट करने पर उस चार्ट पेपर पर मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पर कंपास नीडल को रखने पर, टैप करने पर, थपथपाने पर वो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करेगी। उसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, उसके पहले इंडिकेट करेगी, उसके बाद में भी इंडिकेट करेगी, उस लोकेशन पर नहीं करेगी। तो ऐसे पॉइंट को जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। 11th क्लास से अगर लिंक करें तो ग्रेविटेशन चैप्टर में तुमने पढ़ा था, किसी रॉकेट को तुमने मून की तरफ छोड़ा, एक लोकेशन ऐसी आएगी कि अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और मून का ग्रेविटेशन पुल इक्वल हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। अगर रॉकेट उससे आगे गया तो किसके इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, उनके मून। तो ऐसे ही यहां पर भी होता है, जहां दोनों बैलेंस हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड, इफ एन आयरन पीस बरीड, गाड़ दिया जमीन में उसको, एन आयरन पीस बरीड BURIED बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, बरीड डीप इनसाइड अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलोंग NS डायरेक्शन, देन आफ्टर ए लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम, देन आफ्टर ए लॉन्ग SPAN स्पान ऑफ टाइम इट बिकम्स मैग्नेट। लंबे समय अंतराल बाद वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो। क्या उसको हम फील कर सकते हैं? अब अगर तुम्हें एंजॉय करना है क्लास को तो शोर मत मचाना, कोई भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं अगर तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कर। क्या रेल की पटरियां जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या वो मैग्नेटाइज हो चुकी हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं हुई है? एक्चुअल में अगर उनका मैग्नेटिज्म बहुत वीक है, सोच के देखो, अगर वो मैग्नेटिज्म माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का है तो क्या तुम्हें फील होगा? क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें फील होता है? ये मैंने
लोहे का टुकड़ा मान लो उठा के रखा, क्या ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा उधर या उधर? नहीं कर सकते फील, जरा सा भी महसूस नहीं होता इधर या उधर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो मैग्नेटाइज हो भी चुकी है तो हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड नाप सके। तो तुम्हारे पास है स्मार्टफोन में एक ऐप होता है मेटल डिटेक्टर, और वो मेटल डिटेक्टर क्या कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड नाप है माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का। तो माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड उससे तुम नाप सकते हो। उसको अगर पटरी के पास ले जाओगे वो इंडिकेट कर रहे हैं रीडिंग ज्यादा, इसका मतलब पटरी मैग्नेटिक। हमारे टाइम में एक अफवाह उड़ी कि पटरी पे सिक्का रख दो और सिक्का उस पे से ट्रेन अगर गुजर जाएगी तो रेगुलर वे में उसकी हैमरिंग हो जाएगी, ऐसे बोला जाता है। ये अगर लोहे का टुकड़ा है, छड़ है, इसको रखा टेबल पर और एक हथौड़ा लेकर नॉर्थ साउथ में रखा और इसकी हैमरिंग कर रहे हैं रेगुलर मैनर रिदम, तो इसमें जो डाइपोल है उनका अलाइनमेंट हो जाएगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसी कंसेप्ट से बोलते हैं वो सिक्का भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हमारे टाइम पे जितने भी तरह के, हमारे टाइम में मैं जब तुम्हारे बराबर था ना, अभी तुम्हारा टाइम, तो जितने भी तरह के सिक्के थे मेरे सारे पटरी पे रखे, 10 पैसे का भी आता था, 5 पैसे का भी, वो एल्यूमिनियम के होता था, 20 पैसे का भी एल्यूमिनियम का होता था, यानी नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक, नॉन फेरो, फेरोमैग्नेटिक नहीं। और अगर कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो उससे मैग्नेट बनेगा नहीं वैसे, ठीक है। फिर 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, ये जो सिक्के आते थे इनका मटेरियल भी नॉन फेरोमैग्नेटिक था। मेरे पास ये सिक्का है आज भी, बाकी सिक्के घर पर हैं, ये 50 पैसे का सिक्का है जिस पे से ट्रेन गुजरी, ठीक है, ये ऐसा हो गया। होता क्या है, सिक्के पे से 2 या 3 पहिए निकल पाते हैं बस, उसके बाद सिक्का उछल के गिर जाता है। तुम्हारे टाइम पे अभी सारे सिक्के लोहे के आ रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, च्युइंग गम से चिपका दो उसको पटरी पे जिससे कि पूरी ट्रेन निकल सके। उसके बाद क्या सिक्का मैग्नेटाइज हो जाएगा? जवाब हो सकता है हो जाएगा, पर तुम फील नहीं कर पाओगे, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वही तुम्हें स्मार्टफोन की मदद, ऐप की मदद लेनी पड़ेगी, उससे तुम चेक कर सकते हो। तो क्या जहां अभी तुम बैठे हो लोहे की सरिये लगे हुए इसमें सब पूरी बिल्डिंग, हमारे छत पे भी, ऊपर भी सरिये लोहे के दाएं बाएं पे और नीचे भी सरिये बहुत सारे लोहे, और जिस ओरिएंटेशन में तुम बैठे हो वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ तुमने, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर वो सरिये कई सालों से हैं यहाँ पर तो मैग्नेट बन चुके होंगे। तुम अपनी अपनी बेंच उठाकर चेक कर सकते हो कि चिपक तो नहीं रही। अगेन प्रैक्टिकल फैक्टर्स देयर, मैग्नेटिज्म हो सकता है उनमें, पर वो इतना कम है कि हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। साथ साथ एक और पैरेलल बात, एक अंधविश्वास उस पे प्रहार कर देते हैं। अंधविश्वास क्या है, तुमसे बोलते हैं कि बुरे सपने नहीं आए उसके लिए क्या करो, तकिए के नीचे नेल कटर रख लो यार, चाकू रख लो, है ना। और कभी किसी को चिकन पॉक्स होता है वो चमकता है, नींद में चमकता है कोई, तो बोलते लोहे की चीज रख लो, चमकना मतलब चमक जाना यानी घबरा के उड़ जाना, है ना, मोहर होता है चमकना, जैसे सड़क पे गाय चमक जाती है कभी तो भागती है, वैसे नींद में अगर घबरा के उड़ जाते हैं उसको बोलते हैं चमक जाना। तो बोलते लोहे की चीज रखो, ठीक है, पेरेंट्स बोलते तुम्हारी मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे। तो पहले के टाइम में लोहा नहीं होता था घरों में, ही की दीवारें और ऊपर छत पट्टियों की होती थी। आज के टाइम में पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर है, तुम्हारे नीचे बहुत सारा लोहा बिछा हुआ है, तुम्हारे सर पर बहुत सारा लोहा, तुम पूरे लोहे के पिंजरे में हो। अगर इतना सारा लोहा तुम्हें बुरे सपनों से नहीं बचा सकता तो अकेला एक चाकू इससे आगे चलते हैं। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कारण क्या है? अभी तक जितना तुमने सीखा है कि मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आता है, तो अर्थ में मूविंग चार्ज कहां कहां है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है?
तो तुम्हें से कोई अपनी थ्योरी अगर देना चाहता है, जैसे साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने पहली थ्योरी दी, विलियम गिलबर्ट का नाम लिया था हमने इलेक्ट्रो स्टडीज में, इलेक्ट्रो स्टडीज में विलियम गिलबर्ट ने बताया था चार्ज दो तरह के होते हैं, रेजोनेंस एंड विट्रियस। हालांकि उसे रिकॉग्निशन मान्यता नहीं मिली, मान्यता किसको मिली, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जिसने बताया था चार्ज दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव। उसने कन्वेंशन यूज किया था ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड। इसी विलियम गिलबर्ट जिसने रेजोनेंस और विट्रियस बताया था, उसने बोला अर्थ के सेंटर पर एक पावरफुल मैग्नेट है, पर उसकी थ्योरी फेल हो गई। रीजन, क्यूरी, क्यूरी का नाम सुना है, क्यूरी ने एक लॉ दिया, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्यूरी के नाम से भी, क्यूरी वेव्स लॉ के नाम से भी, WEISS। तो क्यूरी वेव्स लॉ या क्यूरी लॉ ये कहता है कि किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करने पर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो अगर वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा तो उससे मैग्नेट नहीं बन सकता। तो सवाल ये उठाया गया कि विलियम गिलबर्ट जो कह रहा था मैग्नेट है, हम जानते हैं अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तुम्हें पता भी है कई जगह गर्म जल के स्रोत हैं, इतना गर्म पानी अंदर से निकलता है जिसमें चावल पक जाते हैं, लोगों को लंगर खिला देते हैं, पका के, है ना, मणिकरण और भी कई जगह। तो अर्थ तो बहुत गर्म है अंदर से, हमें पता है मोल्टन मेटल। तो अगर कोई मैग्नेट है तो इतने हाई टेम्परेचर पर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं कर सकता। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी, ए मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन हीटिंग एंड बीटिंग, सो नॉट पॉसिबल, तो वो थ्योरी फेल हो गई। अब तुम्हारे पास कोई थ्योरी है तो तुम शेयर करो, बोलो। हाँ बिल्कुल, आयंस होते हैं या मोल्टन मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मोल्टन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, आयंस नहीं, ठीक है। हाँ, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनसे एक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डायनामो इफेक्ट, डायनामो यानी जनरेटर। तो इन करंट्स की वजह से मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक जो थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेबल उसके अकॉर्डिंग है, वो माना गया है। फिर अर्थ पर और कहां है मूविंग चार्ज, अर्थ की कोर में एक तो और कहां है मूविंग चार्ज, आयनोस्फीयर में। पर सवाल यह है क्या आयनोस्फीयर अर्थ के साथ घूमता है। तुम्हें से जितने लोग देखो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तुम आपस में बातें मत करो भाई, मजा खत्म हो जाता है। तो एक सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जितने लोग मानते हैं कि आयनोस्फीयर अर्थ के साथ घूम रहा है, एटमोस्फीयर अर्थ के साथ घूम रहा है, वो लोग तो अपना हाथ ऊपर कर दें, जो हाथ नीचे रखेंगे ये माना जाएगा कि वो ये मानते हैं कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो रेज योर हैंड जो ये मानते हैं कि आयनोस्फीयर घूम रहा है, सिर्फ वो लोग हाथ ऊपर करें। तीसरी कैटेगरी नहीं है, देखो ही है, शी है, जी नहीं है, तो दो ही कैटेगरी, अगर हाथ नीचे मतलब तुम मानते हो नहीं घूमता है, और अगर हाथ ऊपर है इसका मतलब तुम मानते हो घूमता है, ओके। तो अपने आसपास देख लो, जिन बच्चों ने हाथ नीचे रखा हुआ है, ठीक है, जिन बच्चों ने हाथ नीचे रखा हुआ है उन सबके लिए एक सजेशन है, अभी नीचे कर लो हाथ, क्या करो थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करो और एक गर्म गैस का गुब्बारा खरीद लो, हॉट एयर बैलून, इसमें टोकरी होती है ना, बैठ के उड़ सकते हैं। तो तुम किसी भी फॉरेन कंट्री का टूर कर सकते हो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, उसमें बैठो, है ना। अब मान लो जिस भी कंट्री में तुम्हें जाना है, तुम कैलकुलेट कर लो ग्लोब के हिसाब से, मान लो तुम्हें पाताल लोक में जाना है, पाताल लोक नहीं, अमेरिका, अमेरिका पाताल लोक, अपोजिट टू इंडिया, तो वहां जाना है, तो तुम उस गर्म गैस के बलून में उड़ो, 12 घंटे इंतजार करो और फिर नीचे आ जाओ, वो एटमोस्फेयर तो रेस्ट पर है, अर्थ घूम जाएगी, अर्थ घूम जाएगी तो तुम कहां उतरोगे, अमेरिका, ठीक है। फिर जब तक मन करे वहां छुट घूमो फिरो, फिर जब घर की याद आए वापस बैठो, वापस उड़ो, मतलब ऐसा नहीं होता। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, घूमता है, और अगर घूमेगा तो मूविंग चार्ज हो गया, मूविंग चार्ज होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का उसकी वजह से, तो तुम्हें लिखना है, अभी लिखो अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू, अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू, हमारी जानकारी बहुत कम है इस बारे में, हो सकता है आगे कोई नई थ्योरी आ जाए, अभी तक की जो है वो लिखना है।
according to the most acceptable view, comma, most of the earth's magnetism is due to the currents, conventional currents, developed in molten metal inside the core, of the earth, due to its rotation, अपने एक्सिस पर जो घूम रही है उसके वजह से, due to its rotation, full stop. ये जो पूरा पैराग्राफ तुमने लिखा है, इसको एक लाइन में बोले तो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, देखो, self excited dynamo effect, ये बोलते हैं, ब्रैकेट क्लोज करो. Paragraph change. Some part of Earth's magnetism, kuch hissa, is also because of motion of ions, present in ionosphere. तो ये most acceptable view हो गया, इसकी वजह से Earth की magnetic properties हैं. Time to time poles की position change होती रहती है. कुछ किताबों में लिखा 10,000 साल, कुछ में लिखा 10^6 years. ऐसा माना जाता है कि dinosaurs की प्रजाति जब पृथ्वी से खत्म हुई थी, लुप्त हुए थे वो. कोई धूमकेतु आया था बाहर से, नहीं मेट्रोइट आकर टकराया था. तो उस समय नॉर्थ में नॉर्थ और साउथ में साउथ होता था, और उनकी पोजीशन लगातार चेंज होती जाती है. तो डिफरेंट व्यूज हैं डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं. अभी इसके बाद हमें अर्थ मैग्नेटिज्म को डिटेल में पढ़ना है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को नापा कैसे जाए. तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं. एंगल ऑफ डिप होता है एक टर्म होती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल. इनको समझने के लिए कुछ डेफिनेशन हमको समझनी होगी. सो हेडिंग सम डेफिनेशन, वो डेफिनेशंस पहले पढ़ेंगे उसके बाद आगे की बात. सम डेफिनेशंस डैश लगा लोगे. पहली टर्म है जियोग्राफिक मेरिडियन मेरिडियन को हिंदी में बोलते हैं याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिक मेरिडियन. अब ये होता क्या है वो तुम्हें समझना है. इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे जीएम, ज्योग्राफिक मेरिडियन. जब कई बार लिखना होगा तो पूरा पूरा नहीं लिखकर हम जीएम लिखेंगे. वैसे जीएम फैक्ट्री में जाओ तो उसका मतलब जनरल मैनेजर है ना, यहाँ पर है ज्योग्राफिक मेरिडियन. इसके बाद अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं समझता मेरी क्लास में बैठने के लायक. ठीक है, जो टीचर जैसे रेस्पॉन्ड करता है उसकी क्लास में वैसा व्यवहार किया करो. मेरी क्लास में मेरे को ये चीज नहीं पसंद तो मत करो, नहीं तो तुम कुछ खोदोगे. क्या खोदोगे? जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ वो डिलीवरी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा. तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं टाइम कट होगा, टाइम कट शॉर्ट होगा तो कंटेंट कट हो जाएगा. ठीक है, तो उसका लॉस सीधे से तुमको. ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन हमको बनानी है. सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, तो अभी ही तैयार कर लो. मतलब दोबारा कभी भी पूछे तो तुम बना सकते हो, डरने की जरूरत नहीं. तो इमेजिन करो जहां तुम बैठे हो, यहाँ के रेस्पेक्ट में बात करें तो इधर नॉर्थ इधर साउथ है. नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस. ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन जा रहा होगा उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द वर्टिकल प्लेन, इट इज द वर्टिकल प्लेन
passing through, vertical plane passing through geographic axis comma which joins जो जोड़ता है with joins geographic north to geographic south pole of the earth which joins geographic north to geographic south pole of the earth ठीक है तो इसको बोला हमने geographic meridian next अगले term magnetic meridian मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बनाओगे शॉर्ट फॉर्म एमएम वैसे क्या होगा मार्केटिंग मैनेजर एमएम सपोज ये कोई मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ पोल है मैंने इसको यहां पे फ्रीली सस्पेंड किया या फिर यू मान लो ये कंपास नीडल है इसको फ्रीली सस्पेंड किया ये घूम के अलाइन हो जाएगी किधर मैग्नेट पे अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो इसका जो एक्सिस है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस इस मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाले वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन इस प्लेस अब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन इनमें एंगल होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन मैच नहीं करते कोइंसाइड नहीं करते इनमें कुछ एंगल होता है 11.3 डिग्री तो कहां से ग्रीनविच सेंटर से वहां से देखते हैं अलग अलग लोकेशन से देखोगे एंगल चेंज हो जाएगा अमेरिका का डेटा हमारे पास है ना हमारे पास बाहर का डेटा अपना यार नहीं पता अमेरिका का डेटा है 0 डिग्री से 21 डिग्री तक चेंज होता है अलग अलग प्लेस पर अभी कैसे चेंज होता है एंगल के साथ पोजीशन वो मैं समझाऊंगा आगे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो वेरी करता है एंगल बिटवीन एमएम एंड जीएम तो अभी एमएम के लिए उतनी ही जगह छोड़ दो जितना तुमने जीएम में लिखा सिंपली तुम्हें जहां जहां वर्ड आ रहा है ज्योग्राफिक वहां पे क्या लिखना है मैग्नेटिक लिखना है अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी सिमेट्री यूज करें नेक्स्ट अगली डेफिनेशन कंपास नीडल नेक्स्ट स्टडी कंपास नीडल सभी जानते हैं कंपास नीडल एक मैग्नेटिक नीडल होती है या तो नीडल को मैग्नेटाइज कर दो या फिर मैग्नेट को नीडल की शेप में काट लो तो इसमें लिखोगे इट इज ए मैग्नेटिक नीडल इट इज ए मैग्नेटिक नीडल पिवोटेड एक वर्ड यूज किया था मैं पिवोटेड याद आ रहा होगा एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पिवोटेड टाइप पिवोटेड तुमने लिखा इट इज ए मैग्नेटिक नीडल पिवोटेड सच दैट कॉमा इट इज फ्री टू रोटेट पिवोटेड सच दैट इट इज फ्री टू रोटेट इन horizontal plane it is free to rotate in horizontal plane comma so it represents the direction of capital B subscript H vector BH हम बोलते हैं earth के magnetic field का horizontal component तो वर्टिकल कंपोनेंट को किससे दिखाएंगे डिग्री तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिजल्टेंट को किससे दिखाएंगे डी दिस इज रिजल्टेंट दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल तो कंपास नीडल मान लो ये कंपास नीडल इट इज पिवोटेड सच दैट इस तरह से कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है तो ये किधर इंडिकेट करेगी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएगी जहां तुम अभी हो कोटा ना तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर पर लोकेटेड है और ना ही मैग्नेटिक पोल पर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक इक्वेटर पे सारा का सारा हॉरिजॉन्टल होता है और बाकी जगह पर कुछ एंगल पर डिप्ड होता है यानी कुछ एंगल बनाते हुए यहां मैग्नेटिक तो इसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा वो BH होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो BV होगा तो BH की डायरेक्शन कौन बताएगी कंपास BH की डायरेक्शन जैसे एक क्वेश्चन बनता है कंपास नीडल को तुम ले गए मैग्नेटिक पोल पर जहां पर BH है ही नहीं तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी सॉल्ट एग्जांपल एनसीईआरटी बोलेंगे टैप करने पर किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी
क्योंकि वहां पर BH है नहीं और वर्टिकली ये जा नहीं सकती, पिवोटेड इस तरह से वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली घूम सकती। नेक्स्ट डेप्थ निडल, DIP डेप्थ निडल डैश आगे लिखो, डिप वही डिप करना, झुकना, डिप डिप वाली चाय होती है, डुबकी लगाते हैं उससे सैशेट को, डिप करते लगोगे। इट इज ए मैग्नेटिक निडल, इट इज ए मैग्नेटिक निडल कॉमा pivoted such that, it is a magnetic needle pivoted such that it is free to rotate, it is free to rotate in vertical plane, it is free to rotate in vertical plane, comma, so when suspended freely in mm, when suspended freely in mm, any magnetic meridian, comma, it shows the direction of, it shows the direction of, अब तुम्हें चेक करना है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना है क्लास में, कितना ध्यान से तुम सुन रहे हो। ये तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, BH, BV, BE, ये है ऑप्शन A, ये ऑप्शन B, ये C। पहली बात तो तुम सब सहमत नहीं हो, इसका मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट बराबर नहीं, ठीक है? तो कितने लोग बी के फेवर में वो हाथ ऊपर करें, तुम लोग इनर्शिया के शिकार हो कि यहां पर बी एस तो यहां पर बीवी। अभी डिप निडल को देखो ध्यान से, डिप निडल कैसी होती है, हाथ नीचे करो, डिप निडल ऐसी होती है जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, हॉरिजॉन्टली नहीं घूम सकती है, ऐसे पिवोटेड है। तो इसको मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में लटकाया, कैसे मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लो मेरे पास कंपास निडल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, इससे मुझे पता चला ये इंडिकेट कर रही है, मुझे पता चल गया मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, ये वर्टिकल प्लेन, तो मैंने डिप निडल को, देखो ये कंपास, ये डिप, ये कंपास, ये डिप, डिप निडल को लगाया ऐसे, इस प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। अब क्योंकि कोटा है ना तो मैग्नेटिक इक्वेटर ना तो मैग्नेटिक पोल, ये वर्टिक हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से झुक गई, डिप कर गई, ये एंगल थीटा, ये बीएच, ये किसकी डायरेक्शन बता रही, बी, क्योंकि बीवी तो किधर है, बीवी घर में, इट इंडिकेट्स बी। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिप निडल कौन सी डायरेक्शन बता रही है। नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स अभी अभी पढ़ा था हमने, उसको क्लियर करेंगे। एमपी बोर्ड में अभी भी इसका प्रैक्टिकल है जिसमें चार्ट बनाने होते हैं मैग्नेट को लेकर, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, दो पोजीशन में हम रख सकते हैं। फिजिक्स लैब में जाकर देखोगे चार्ट बना के हमने लगाया है डिस्प्ले। बाकी बोर्ड में सिलेबस से हट गया है मेरा प्रैक्टिकल, पर थ्योरी में क्वेश्चन अब भी आता है जिसमें पूछते हैं मैग्नेट को नॉर्थ को टुवर्ड्स नॉर्थ रखकर अगर प्लॉट करोगे तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट्स कहां मिलेंगे, इक्वेटोरियल पे या एक्सिस पर। सपोज ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, यूनिफॉर्म छोटे रीजन के लिए यूनिफॉर्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैंने नॉर्थ को टुवर्ड्स नॉर्थ रखा है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी, यहां से घूमेगी, इधर से वापस जाएगी, तो कैंसलेशन कहां पॉसिबल है। अगर एक्सिस पर बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और नॉन एक्सिस पर बात करें तो अर्थ का तो उधर जा रहा है और इसका घूमकर, तो कैंसलेशन कहां पॉसिबल है, नॉन एक्सिस, नॉन एक्सिस पर। अभी एक्सप्रेशन लिखा था हमने, ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा होगा पर जैसे दूर जाएंगे इस रूल को फॉलो करके इनवर्स क्यूब लॉ को घटता जाएगा घटता जाएगा, बहुत तेजी से घटेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, उस लोकेशन पे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, उधर भी मिलेगा इधर भी उतनी दूरी पर। पेपर पर तो दो ही मिलेंगे पर 3D में सोचो ये पूरा जो सर्कल होगा इस पे इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे, यानी पूरा लोकस 3D में, क्लियर। अब इसको उल्टा रखा हमने नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, तो अब मैग्नेट की लाइंस ऐसे जा रही एक्सिस पर अपोजिशन में,
इक्वेटर लाइन पर सपोर्ट में अर्थ का भी उधर मैग्नेट का भी उधर, तो कैंसिलेशन होगा एक्सिस पर, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा, इसका डबल है, अगर डबल है तो न्यूट्रल पॉइंट। अब इस सिचुएशन में पहले वाली सिचुएशन से ज्यादा दूर मिलेगा पास दूर, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा दूर जाकर वीक होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, तो इस सिचुएशन में ज्यादा दूर मिलेगा एक्सिस पर मिलेगा। तो डायग्राम में बनाएंगे लिखेंगे उसे लिखो, दीज आर दोस पॉइंट्स, ये वे बिंदु हैं, दीज आर दोस पॉइंट्स इन कंबाइंड प्लॉट, इन कंबाइंड प्लॉट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन कंबाइंड प्लॉट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड प्लॉट पीएलओटी प्लॉट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड that of given magnet and that of given magnet comma at which both the magnetic fields becomes at which both the magnetic fields becomes equal and opposite, both the magnetic fields become equal and opposite and get cancelled, equal and opposite and get cancelled as shown करके dash लगा दो। दो simple से diagram तुमको बनाने, तुम जानते हो paper पर north किधर दिखाते हो, तुम ऊपर, तो तुम earth का magnetic field दिखाओगे uniform इस region में, तीन magnetic lines दिखाना sufficient है, तीन parallel और equidistant, ये earth का रिजल्टेंट है। फिर से तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ये बी एच है, बीवीए की बीई है, ये बी एच है, पेपर पे प्लॉट कर रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तुमने मैग्नेट को रखा नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस यहां से नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ से एंटर करेंगे, अंदर मूव करेंगे साउथ से नॉर्थ, एरो बनाकर दिखाएंगे, सिमेट्री के लिए दो लाइंस दिखा देंगे। तो इस डायग्राम से क्लियर है कैंसिलेशन जो होगा वो कहां होगा, नॉन एक्सिस पर, कुछ दूरी पर यहां ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां कंपास शेडल रखकर उसे टैप करने पर थपथपाने पर किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो ये पहला ओरिएंटेशन हुआ नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, इसके कॉन्ट्रेरी एक डायग्राम और बनेगा, उसके बाद छुट्टी होगी तुम्हारी। तीन इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब की बार हमने साउथ को रखा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से एंटर करेंगी, अंदर मूव करेंगी साउथ टू नॉर्थ। अब केवल नॉन एक्सिस यानी इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो सपोर्ट में है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पर अपोजिशन में है, एक्सिस पर कुछ दूरी पर जाकर उससे ज्यादा दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर इसके सेंटर से, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस अगर वाई है, तो तुम एक्स और वाई में रिलेशन भी ढूंढ सकते हो, एक्स लेस देन वाई, ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहां पर सिमेट्रिकल, यहां पर बिना डायग्राम बनाए डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तुमने फटाक से जवाब दिया कि नॉन एक्सिस या एक्सिस, तो उसके एक म्यूमोनिक तैयार कर लेते हैं, तुम याद रख सकते हो NN चार बार N, What does it mean? इसका मतलब है कि अगर तुमने नॉर्थ को रखा टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, देन न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑन नॉन एक्सिस, इसको नॉन एक्सिस भी बोलते हैं, नॉर्थ टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, देन न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑन नॉन एक्सिस,
साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ रखोगे तो ऑन एक्सिस एक्सिस पर मिलाएं। तो काफी रश के लिए नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर खत्म हो जाएगा और ईएमआई स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। थैंक यू।